हेलो दोस्तों, कुकिंग फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा आटा लिया है, थोड़ा सा नमक डाला है, एक चम्मच तेल डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मोइन डालने से पराठा हमारा काफी सॉफ्ट बनेगा। यहाँ पर हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो गया है और हमने गूंद लिया है। यहाँ पर हम इसकी अब लोई बना लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसकी रोटी बेल लेंगे। रोटी थोड़ी पतली बेलनी है। और इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी को थोड़ा सा गाढ़ा ही लगाना है, जमा हुआ लगाना है। ऊपर से थोड़े से तिल डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया। हरे धनिये के हमने थोड़े पत्ते पत्ते ही डाले हैं यहाँ पर। थोड़ा सा हम लहसुन डाल देंगे, लहसुन को घिसकर डालेंगे। आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। अगर आप लोग लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इन चीजों को डालने से पराठा हमारा काफी स्वादिष्ट बनेगा। अब इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा दबा लेंगे। यहाँ पर थोड़ा हल्के हल्के हाथों से अब इसकी परत बना लेंगे। करीबन यहाँ पर हमारी 6 परतें बन गई हैं। हल्के हल्के हाथों से इसको थोड़ा दबाएंगे और थोड़ा सा लंबा करेंगे। अब इसको धीरे धीरे हाथों से रोल बना लेंगे इसका। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। रोटी को हल्के हाथों से ही बेलना है। अब इसको ज्यादा पतला नहीं बेलना है, रोटी को थोड़ा सा मोटा ही रखना है। यहाँ पर हमने तवा गैस पर रख दिया था, तवा हमारा गर्म हो गया है। पराठे पर हमने थोड़ा तेल लगा लिया है। आप घी से, तेल से, किसी से बना सकते हैं। घी से बनाएंगे तो ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। एक दो बार इसको पलटना है, पलटने से पराठा एकदम काफी अच्छा खस्ता बनेगा। यहाँ पर हमारा लच्छा पराठा बनकर तैयार हो गया है। काफी खस्ता बना है एकदम। एक पराठे में हमने तिल डाले थे, एक पराठा हमने सिंपल बनाया है बिल्कुल। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।